नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपका स्वागत करता हूं दतिया पैलेस के दूसरे भाग में, जहां पर हम वीर सिंह जुदेव के इस महल के बाकी हिस्से को देखने वाले और उस इतिहास को समझने वाले हैं कि क्यों 1602 के समय में अकबर के नवरत्नों में से अबू फजल, जो कि उनके खास मित्र भी थे और कवि भी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी ग्वालियर के पास अत्री नामक स्थान पर, जहांगीर के कहने पर यहाँ के राजा वीर सिंह जुदेव जी के द्वारा। 1605 से लेकर 1627 के बीच में वीर सिंह जुदेव, जिनके पास में ओरछा की रियासत आई, तो उन्होंने 1618 के समय में 52 इमारतों की आधारशिला रखी थी और उन्हीं इमारतों में से एक इमारत यहाँ का ये पुराना महल, या फिर आप कह सकते हैं दतिया का महल भी शामिल होता है। और इसी के साथ में जब एडविन लुटियंस ने स्थान को देखा तो वो भी हैरान हो गया था और भारत के बड़े बड़े महलों में इस महल को भी शामिल कर लिया था। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। दतिया के इस महल के अंदर ऐसी कुछ बारीकियां हैं जिसको यदि आप ना देखें तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हमसे अधूरा रह गया। यदि आप अपनी नज़रों को इन छज्जे से ऊपर हिस्से में लेके जाएंगे जहां पर मशाल वगैरह रखने का स्थान बनाया गया है, उनमें दीवार के अंदर आज भी नीले और पीले रंग के जो टाइल्स वर्किंग है वो आज हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये उनका जो पूरे का पूरा महल का जो एक हिस्सा है, जो कक्ष बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर भी उस समय कोई ना कोई विशेष काम के लिए इसको बनाया गया होगा, इसको बांटा गया होगा। और दोस्तों सबसे अद्भुत बात तब बनती है जब मैं आपको इस तरफ बने हुए इन तीन मेहराबों के साथ में अंदर की तरफ लेकर जाऊंगा और इस जाली वाले कमरे में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर अंदर की तरफ फूल पत्ती और उस समय की जो पेड़ लताएं पुष्प जो डेकोरेटिव डिज़ाइन हुआ करता था पूरे कमरे में दिखाने की आज कोशिश की गई है दीवारों के ऊपर, जो इस कमरे को एक शाही कमरा आज हमें पेश कर देता है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देखिए रोशनी के लिए रखे जाने वाले जो दिए थे वो इन पॉइंट्स पे खांचों में रखे जाते होंगे। और अब मैं आपको इसी के साथ में थोड़ा बाहर लेकर आता हूँ और ये इसका एक बड़ा ही आलीशान हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है, जो कि अलग अलग 3D शेप्स के साथ में बैक में बनाया गया है। और यहाँ पर अलग अलग उनके कमरे हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कमरे क्या क्या बने हुए हैं। सामने की तरफ का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इसमें देखिए तीन बड़े बड़े आपको मेहराब भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सेफ्टी पर्पज़ के लिए जालियाँ भी लगाई गई हैं ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। ज़्यादातर जो कमरे हैं बिल्कुल सेम आकृति के हैं, क्योंकि इसमें चार चौक बने हुए हैं ना, इसलिए चारों कॉर्नर के सेम डिज़ाइन है। आप इस कमरे को देखिए कितनी अच्छी इसकी छत बनाई गई है, लाखोरी टेस्ट में इस्तेमाल किए गए, पहाड़ी पत्थर लगाए गए हैं, चूना प्लस्तर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और यदि थोड़े से हम इसके इतिहास की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 12वीं शताब्दी में जिस समय इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन हो गया था, तो उसी वक्त दतिया के इस वाले स्थान पर चंदेलों का शासन हुआ करता था। तो इल्तुतमिश बहुत बड़ी सेना लेकर दतिया के स्थान पर आए और उन्होंने इस पर अपना कब्जा किया और उसके बाद में दतिया को अपने अधीन ले लिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ और इसके जो बाकी कमरे कक्ष हैं वो भी दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ और इतिहास की सारी बातें आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो कमरा है बिल्कुल पिछले जैसा बनाया गया है इस राजमहल के अंदर का। और यदि हम बात करते हैं 1531 के समय में राजा रुद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी राजधानी यानी कि बुंदेलखंड की राजधानी गढ़कुंडार से बदलकर ओरछा कर दी थी और उसके बाद से यहाँ पर बुंदेलों का जो शासन है वो और भी मजबूत हो गया था और यहाँ पर सुचारू रूप से अपना वो सारा कार्यकाल चला रहे थे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी सामने वाले पिलर के ऊपर। इन पिलर के ऊपर बहुत बारीक कलाकृति के साथ में एक विशेष डिज़ाइन बनाया गया है, जो इसके इस हिस्से से होता हुआ हमें उल्टे हाथ की तरफ बने हुए आकर्षित पिलर के साथ में जोड़ देगा।
और नीचे वाले जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो कमरे हैं काउंटिंग में 440 बनते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो तब बनती है जब इसके दो उन मंजिलों का पता लगता है जो इसके अंदर आज दफन हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ इतिहास की बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे इस तरफ। आइए, 1531 के समय में राजा रुद्र प्रताप सिंह, जिनके 12 पुत्र थे, उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को अलग अलग अपने पुत्रों के शासन में अपने उनके हिस्सों में दे दिया था, जिसके बाद में अलग अलग क्षेत्र बुंदेलखंड के तब्दील हो चुके थे। और इसी के साथ में यदि हम इस बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से के ऊपरी छज्जे को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन ऊपर वाले भाग में आपको देखने को मिल रहा है। ये राजपुताना शैली का एक बहुत सुंदर एक पेशकशी, एक नमूना आज भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे जो मेन बात है दोस्तों वो है यहाँ पर बना हुआ ये डायमंड शेप की जो आकृति है वो एक अलग ही जान डाल देती है इस पूरी इमारत के अंदर। यहाँ पर भी ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है, चारों कॉर्नर में छोटे छोटे कक्ष कमरे बने हुए हैं। और थोड़ा आगे की तरफ आइए आप। अकबर जिस समय दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ चुके थे तो उसी वक्त उनके बेटे जहांगीर उर्फ सलीम, जिनकी मित्रता दतिया के राजा वीर सिंह जुदेव के साथ में थी, और उसी मित्रता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये पूरे का पूरा महल। ऐसा बताते हैं इतिहासकार के इसी स्थान पर महल बनने से पहले जहांगीर और राजा वीर सिंह जुदेव की मुलाकात हुई थी। लेकिन ऐसी क्या बात बनती है कि वीर सिंह जुदेव को जहांगीर के लिए महल बनाना पड़ा? तो हम उसके लिए थोड़ा सा जाते हैं अपने पिछले पन्नों में, 1602 के समय में, जिस समय अकबर दक्कन की तरफ अपना शासन कर रहे थे तो उनके बड़े ही खास मित्र अबू फजल दक्कन की ओर से दिल्ली के और आगरा के किले की तरफ जा रहे थे, और अकबर ने उन्हें कहा कि ओरछा के इस स्थान पर जाओ और इसे भी अपने अधीन लेने की कोशिश करो। और इस बात की जो भनक थी वो जहांगीर ने पहले ही वीर सिंह जुदेव को दे दी थी, क्योंकि अकबर की और उनके बेटे की सलीम की आपस में नहीं बनती थी। और जहांगीर को लगता था कि कहीं ना कहीं अबू फजल जो हैं वो उनके पिता के कान भर रहे हैं और अकबर की मृत्यु के बाद में जो राजगद्दी है वो जहांगीर के पास में नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने वीर सिंह जुदेव को ये कहा कि ग्वालियर के पास में जगह पड़ती है आंत्री, वहाँ पर जाएँ और अबू फजल को रोकें, और अगर पॉसिबल हो तो उसकी मृत्यु भी कर दें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वीर सिंह जुदेव ने 1602 में आंतरी में अबू फजल की गर्दन काटी और उस गर्दन को राजकुमार जहांगीर के दरबार में भेजा, और यहीं से उनकी मित्रता शुरू हुई। और जिस समय जहांगीर सत्ता में बैठ चुके थे तो उन्होंने राजा वीर सिंह जुदेव को कहा कि हम आपसे मिलने के लिए दतिया में आना चाहते हैं। तो उस वक्त राजा वीर सिंह जुदेव ने 1618 के समय में, यानी कि विक्रम संवत 1675 के समय में, दतिया के इस पूरे इलाके में 52 इमारतों की आधारशिला रखी थी, और उन्हीं इमारतों में से एक इमारत आज ये वाली शामिल होती है जो कि 7 मंजिला है, 5 ज़मीन से ऊपर और 2 ज़मीन के नीचे। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा दुख तब बन जाता है जब ये इमारत बनकर तैयार हो गई थी। इसको बनने में पूरे 9 वर्ष लगे थे, 35 लाख रुपए खर्च हुए थे, 440 कमरे हैं इसके अंदर और 40 मीटर ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये बनाई गई थी। लेकिन इस इमारत के बनने के बाद में यहाँ पर कभी भी बादशाह जहांगीर ना तो उन राजा से मिलने के लिए आ पाए और ना ही राजा वीर सिंह जुदेव ने इसे अपने रहने के महल के रूप में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों इस इतिहास की बातों को हम आगे और बढ़ाएंगे और इसके साथ में आपको मैं इसके सबसे ऊपरी हिस्से में लेकर जाऊंगा। चलिए,